गावरान पोल्ट्री फार्म में आपका यशस्वी एग्रो गावरान पोल्ट्री फार्म में आज हम देखने वाले हैं वैक्सीन या लसीकरण अपने मुर्गियों को कैसे करना है और क्यों करना है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लासोटालस कैसे देते हैं। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये है थर्मास। थर्मास में मैंने बर्फ में ये लासोटालस लाया है। ये लासोटालस आपको कौन से भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो लासोटा के साथ एक वाटर का छोटा बॉटल आता है जो अभी मैं आपको दिख रहा है अपने वीडियो में। तो ये वाटर अपने एक इंजेक्शन से निकाल के लेना है। ये इंजेक्शन भी आपको मेडिकल वाला देता है वो लस के साथ। तो ये लासोटा का प्राइस 30 रुपीज़ है जिसमें 70 और 80 चिक्स हो जाते हैं। तो ये वाटर हमने इंजेक्शन में लेना है। एक 2 मिली आप ले सकते हैं स्टार्टिंग में। 2 मिली वो वाटर लेने के बाद आपको वो वाटर अपनी लासोटा का जो लस के एक दूसरी बॉटल आती है उसमें डालना है। ये देखिए अब ये हम डालेंगे कैसे। ये जो लस है इसके अंदर आपको वो वाटर डालना है ये ऐसे, और आप जैसे उसके अंदर सुई घुसाएंगे ऑटोमेटिक वाटर उसमें चला जाएगा। उसके बाद आपको ये एकदम धीमी तरह से हिलाना है इस तरह से, गड़बड़ी में हिलाना नहीं है, एकदम धीरे से हिलाना है, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए इसके वजह से। तो अभी ये मिक्स होने के बाद इसको फिर से इंजेक्शन में डालना है। ये दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से। लासोटा का लस क्यों दिए जाते हैं? लासोटा का रस अपने मुर्गियों को रानीखेत जैसी बीमारी ना हो इसके वजह से, या इसलिए ये लसीकरण 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आप कर सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा कि जो वाटर हमने लिया था वो हमने वो लस के डब्बे में डाला और उसको हिलाने के बाद जो मिश्रण रेडी हुआ है वो हम फिर से वो इंजेक्शन में ले रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके वो इंजेक्शन भरना है। ईयर जो पकड़ती है इसकी वजह से वो पूरा नहीं आ पाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्शन से लेना है। ये देखिए आ रहा है, ये होना हो गया। अभी इसको हम फिर से वो बॉटल में डालेंगे जिस बॉटल में वाटर है। इस तरह से डाला, इस बॉटल में डालने के बाद आपको उसको फिर से निकाल के एक ड्रॉपर आता है वो ड्रॉपर में डालना है। हम वीडियो का तो 3 मिनट अगर हम ये टाइम पे दे ठीक है तो अपने मुर्गियों को रानी के जैसे बीमारी नहीं लगती है। तो ये देखिए मेरे बर्ड्स हैं, कुछ हो चुके हैं इससे पहले। तो टोटल 130 है जिसमें से मेरे 100 हो चुके थे, 38 बाकी हैं जिसको अभी मैं टीका लगा रहा हूँ आपके सामने। ऐसे एक एक बूंद उनके आँख में डालनी है। देखिए वो पकड़ के, कभी कभी वो आँख बंद कर लेते हैं तो जब तक वो आँख में नहीं जाता तब तक आपको वेट करना है। ये देखिए ऐसे, ये देखो आँख बंद की इसके वजह से वो नीचे गया, लेकिन फिर से दोबारा छोड़ना है। दूसरा ये दिखाता हूँ मैं आपको नज़दीक से, ये देखिए ये इसके आँख में चला गया है। ऐसा
अच्छा एक एक करके छोड़ते जाना है। आपके एक घंटे के अंदर पूरे 100 बर्ड्स टीका करके ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी यही है, टीकाकरण करना, लसीकरण करना, वैक्सीन करना। ये होने के बाद अभी 14वें दिन, मतलब यहाँ से आगे 7 दिन के बाद फिर से एक टीकाकरण रहता है जिसको लासोटा बूस्टर करते हैं कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा मुर्गियों को कौन से बीमारियाँ होती है और उस पर क्या इलाज किया जाता है, इसका वीडियो 2 दिन में आ जाएगा। ये वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।